हम ऋषियों की सी ज्ञान परंपरा में दीक्षित हो रहे हैं। बचपन से हमने सुना है और जो भी अपनी ऋषियों की संस्कृति के प्रति गौरव रखते हैं वो सब कहते हैं कि मैकाली की शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है। लेकिन ये ऋषियों की शिक्षा पद्धति क्या है और उसमें किस तरह से हमें जीना होता है, उस अनुष्ठान को पतंजलि योगपीठ में जब से शुरू किया है तो अब इसमें सैकड़ों भाई दीक्षित हो रहे हैं। आचार्य कुलम में हमारी अभी एक व्यवस्था जरूर है, वो यह कि NCERT और CBSE के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाना अपरिहार्यता है। बहुत जल्दी ही वह भी दिन आएगा जब वैदिक पाठ विधि केंद्र सरकार में अलग से लागू हो जाएगी तो फिर से ऋषियों की शिक्षा पद्धति पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो पाएगी। अभी तो आंशिक रूप से हम उस कार्य को कर पा रहे हैं क्योंकि वैदिक पाठ विधि ये ऋषि ज्ञान परंपरा पूरी तरह से हम लागू नहीं कर सकते क्योंकि CBSE का की परीक्षा दिलवाना और NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ाना वहाँ कानून की दृष्टि से अपरिहार्य है। हम उसको उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसको टाल नहीं सकते। तो यह भी कार्य बहुत जल्दी ही संपन्न होगा, शायद वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद कि भारत के इतिहास का यह बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होगा जब वैदिक शिक्षा बोर्ड अलग से केंद्र सरकार में गठित होगा और एक आर्ष ज्ञान परंपरा ऋषियों की पाठ विधि पुनः देश में लागू होगी और इसको हम लागू करवाएंगे। यह भी श्रावणी महापर्व पर हमारा व्रत है, हमारा संकल्प है और इसको भी हम पूरा करेंगे। अभी एक चरण पूरा हुआ,